हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। और ये ब्लॉग मैंने वीडियो स्टार्ट करी है इवनिंग से, और मैंने लोबिया भिगोए थे सुबह, क्योंकि सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। सुबह से काम में लगी हुई थी और मैंने सोचा काम ही कर लेती हूँ, और ये फुल गए हैं। अब मैं इसको सीटी लगा लूँगी। सीटी सिर्फ इसमें 3 या 4 लगती है, उसी में अच्छे से ये बॉयल हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। टमाटर, प्याज, जिंजर, गार्लिक, सारे खड़े मसाले इसमें पड़ते हैं, मतलब एकदम जो नॉनवेज खाते हैं ना, उस पूरा टेस्ट इसका नॉनवेज वाला आता है। तो बहुत दिनों के बाद में मेरे घर से, मैं तो पहली बार बना रही हूँ कि मम्मी ने एक बार बनाया था तो मैंने खाया था। हैं मंदिर, और ये मैंने पूजा का सामान भी ले लिया है, रास्ते में डालते हुए जाऊँगी क्योंकि कोई नहीं डालता है, इसलिए मैं ही इसे लेके जाती हूँ। तो चलते हैं अभी मंदिर, और शाम के बज रहे हैं 7 बज चुके हैं। तो मैं और टिनटिन और ये जा रहे हैं, काना घर पे है और उसको मैंने सुला दिया है, एंजल साथ में, और एंजल को बोल के क्योंकि बगल में ही हम जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, बस उसको मैंने दूध पिला के सुला दिया है, बस हम आ जाएंगे आधे घंटे में। गिर जाएगा फोन, टिनटिन कह रही है फोन गिर जाएगा, मत करो। हाँ डैडी अभी आ रहे हैं, तुम इधर आ जाओ, अंदर नहीं जाना है। हम अभी जस्ट मंदिर से आए हैं, मंदिर में होकर आ गए, और टिनटिन ने मंदिर में बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करी, बहुत ज़्यादा। आज मैंने काजल नहीं लगाया और नींद पूरी होती नहीं है ना काना की वजह से, इसलिए मेरी आंखें सूजी सूजी हमेशा रहती हैं, और काजल नहीं लगाओ तो और भी ज़्यादा लगती हैं। आज बहुत ही ज़्यादा लग रही हैं, और टिनटिन आके अपना वही काम कर रही हैं जो डेली करती हैं, और तो कुछ है नहीं। और मैं सब्ज़ी बना के गई थी, लोबिया की सब्ज़ी मैंने बनाई है, दिखाती हूँ कैसी बनी है, बहुत ही टेस्टी और दिखने में तो बहुत है। ये देखिए, वाओ, ऐसे लग रहा है कि जो लोग नॉनवेज खाते होंगे, हम लोग तो खैर नहीं खाते हैं नॉनवेज, बिल्कुल वैसा ही कलर आया है, बहुत ही यम्मी दिख रही है, बहुत ही, मतलब जो इसमें मसाले पड़ते हैं ना, इसमें खड़े मसाले पड़ते हैं तो मैंने खड़े मसाले ही डाले। एक्चुअली मैं पूरी रेसिपी डालना भूल गई, मैंने बस स्टार्टिंग का ही दिखाया, वही जब बॉयल वॉयल किया तब भी होया था। और मैं बता देती हूँ मैंने कैसे बनाया है इसे। प्याज कट कर लिए थे और खड़े मसाले से मैंने फ्राई कर लिया था, मतलब तेज़पत्ता और जितने खड़े मसाले, लाल मिर्च, सूखी, वो सब डाल के, और फिर मैंने प्याज एकदम, प्याज मैंने पीसे नहीं थे, बहुत लोग पीस के डालते हैं लेकिन मेरे यहाँ ना कोई भी पीसी हुई प्याज नहीं खाता है, तो मैंने खूब अच्छे से रेड कर लिया था प्याज को। फिर उसके बाद टमाटर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था, और जो बॉयल किया था लोबिया वो डाल दिया था, उसके बाद मैंने गरम मसाला, सूखा गरम मसाला ऊपर से डाल दिया था।
तो बहुत ही यम्मी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो मैं मंदिर जब गई थी तो मैं सब्ज़ी बना के, क्योंकि गर्मी हो जाती थी, फिर सही बताओ ना खाना बनाने का मन नहीं करता। अब इसके साथ बस हमें राइस बनाना है, कि रोटी नहीं बनानी है। दिन में हमने पराठे खा लिए थे, तो अब चावल ही बनाएंगे, तो ज़्यादा टेंशन है नहीं। बस काम लगभग हो गया, ये अभी गए हैं उसका काना का मिल्क ख़त्म हो रहा था, तो मिल्क लेने दूध लेने गए हैं। वही लैक्टोजेन नहीं पीता है वो, तो वही लेने गए हैं। तो जब आ जाएंगे थोड़ी देर बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। मैं यहाँ पे मखाने अपने लिए फ्राई करके रख रही हूँ सुबह चाय के लिए ना, और वैसे भी कल तो फास्ट रहेगा, तो ये मैं रख दूँगी पहले से ही नमक के, जो सेंधा नमक के होते हैं ना, क्योंकि मैं ना खाली चाय नहीं पीती हूँ, तो सुबह मंदिर भी जाना है क्योंकि कल पहला सोमवार है। और अब आज मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग का है, पहला सोमवार है सावन का, लेकिन शक्ल दिख रही है ना कैसी हो रखी है। बस ना के बस जा रहे हैं जल चढ़ाने पतिदेव के साथ, उनका मूड नहीं था जाने का, क्योंकि वही पूरी रात लाइट नहीं रही है, और जब इंसान की नींद पूरी नहीं होती तो इंसान हो जाता है वहाँ पर चिड़चिड़ा, और उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता। मेरा भी सेम ऐसे ही हुआ है, मैं भी बहुत चिड़चिड़ी हो गई। घर की पूजा तो एंजल ने कर ली, मंदिर मैंने साफ़ कर दिया क्योंकि हेल्पर थोड़ी लेट आएगी, और मैंने कहा चलो मंदिर में तो कम से कम जल चढ़ा ही आते हैं, तो ये बोल रहे थे तुम अकेली चल जाओ, मुझे ऑफिस भी निकलना है। तो बस मैं और सावन के जो सोमवार होते हैं हम दोनों साथ में ही पूजा करते हैं, मैं ऐसा नहीं हो सकता साथ में ही करेंगे। तो बस हेलो गाइस, ये वीडियो कल से चल रहा है, कल इवनिंग से चल रहा है, और मैं अभी मंदिर होकर आई हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे मंदिर, और क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, और हम मंदिर कैसे गए हम भी जानते हैं, क्योंकि उनका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पूरी रात लाइट नहीं थी, पूरी रात कहीं से तार मतलब किया, तो ये 2 बजे रात को गए भी थे, और गली के जितने लोग थे सब चेयर डाल के बाहर बैठे हुए थे, इतनी बुरी हालत, बिल्कुल भी उम्मीद किसी को नहीं आई है। हम पूरी रात जगे हैं, और आंखें देख के लग भी रहा होगा कि पूरी रात जगे हुए हैं, और मतलब कैसे करके पूजा करिए वो हम ही जानते हैं। पूजा करने का भी मतलब आँखें ऐसे हो रही है ना, इससे दर्द सा होता है ना आँखों में वैसा, और ये काना लेटे हुए हैं, कानू पूरी रात नहीं सो पाया, ना टेंशन सो पाई, ना एंजल सो पाई, मतलब अब लाइट आई है तो अब जाके थोड़ा से कुछ भी भरोसा नहीं है कब लाइट चली जाए। पता नहीं क्या हो गया, पहले नहीं ऐसा होता था, अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, करीब 10 दिनों से ऐसा हो रहा है। लाइट की वजह से बहुत दिक्कत है, इन्वर्टर भी नहीं चल पाता, इन्वर्टर भी बंद हो जाता है, क्योंकि कम से कम 10-12 घंटे लाइट नहीं रहती है, 12-12 घंटे लाइट गायब होती है, कभी कभी पूरी रात गायब हो जाती है। ऐसी हालत में ना मतलब पूरे दिन 24 घंटे में सब लोग 12-13 घंटे लाइट नहीं रहती है, ऐसी हालत हो रही है इस टाइम। और कभी कभी तो ख़राब हो जाती है, तो फिर तो बल्ले फिर तो लाइट आती ही नहीं है। तो बस हम जल चढ़ा के कैसे ही भाग के, अब मैं ऐसे ही मैंने अलता वलता ऐसे उल्टा सीधा पैरों में लगाया है। देखिए ये मुझको गुस्सा हो रहे थे कि बस मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है मंदिर जाने की, क्योंकि इनके सर में हो रहा था दर्द बहुत तेज। तो बस जल चढ़ा, शाम को जाऊँगी देखती हूँ मंदिर। और इस ये ब्लॉग कल से चल रहा है, मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग का एंड भी कर दूँगी, ताकि नया ब्लॉग स्टार्ट कर सकूँ। यार इस टाइम तो ऐसी हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ही हालत ख़राब हो रही है। चलिए अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो पूरी रात पता है छोटे बच्चे जगते हैं तो और गुस्सा आता है, एंजल टेंशन रो रही थी, ये रो रहा था, मतलब मुझे तो इतनी ज़्यादा खुंदक आ रही थी कि मन कर रहा है कि भाग जाऊँ। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में बातें करते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।